स्वागत है आपका। मैं संदीप परमार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे ओपन यानी वॉक इन इंटरव्यू की। अगर आप किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फार्मा प्रोफेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का प्रोफेशन हो, और अगर आप ओपन इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ पर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आपका इंक्रीमेंट अच्छा नहीं आता है, या फिर आपकी बॉस से नहीं बनती है, तो अगर आप भी जॉब करने का सोच रहे हैं या फिर आपको अपनी कंपनी में बहुत सारा समय हो गया है, आप भी मूव ऑन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको बहुत मज़ा आने वाला है और नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे कुछ गोल्डन रूल्स बताने वाले हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आप अपना वॉक इन इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपका ओपन इंटरव्यू यानी आप वॉक इन इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, आप उसे क्या ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन शेव और वेल ड्रेसअप होके जाएं। अगर आप वेल ड्रेसअप हैं तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। दूसरी जो चीज़ होती है, आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। यानी आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई भी वॉक इन इंटरव्यू होता है तो कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, जिसमें से सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है कि आपका अपडेटेड CV होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, आपके पास 3 महीने की सैलरी होनी चाहिए, या फिर आपके पास कोई और ब्रेकअप लेटर है या फिर प्रमोशन या इंक्रीमेंट लेटर है वो भी होना चाहिए। साथ ही साथ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हर वॉक इन इंटरव्यू फॉलो किया जाता है। अगर आपका वॉक इन इंटरव्यू सुबह 9 बजे से है तो आपको वहाँ पर 7 बजे पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है वो जो सबसे पहले इंटरव्यू देते हैं, यानी आपको पता है कि जिन लोगों का सिलेक्शन होना होता है वो पहले ही चुन लिए जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपका इंटरव्यू शाम के 5 बजे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन चांस थोड़े कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले इंटरव्यू की लोकेशन पर पहुँचे, दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। पहला कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप बहस ना करें, बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोलें कि सर मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और दूसरा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना है तो इंटरव्यूअर जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत ही पोलाइट वे में और चेहरे पे स्माइल के साथ आप आंसर करें, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, बहुत अच्छा आपका जो इम्पैक्ट है वो इंटरव्यूअर के ऊपर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो आपके चांस हैं इंटरव्यू सेलेक्ट होने के वो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। और जो तीसरी चीज़ है वो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आप अपनी CV में वही सिलेक्टिव जो चीज़ें हैं वही दिखाइए एक्सपीरियंस की, जिसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज है। बहुत सारे लोग अननेसेसरी मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, और जब उनसे डिटेल में क्वेश्चन किया जाता है तो उनके पास उसका आंसर नहीं होता है। तो आपको जिन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और एज पर गाइडलाइन पता हो, तभी आप अपने रिज्यूम में उन चीज़ों को डालें। अगर आप सब ये फॉलो करते हैं, आप वेल ड्रेस्ड हैं, आप टाइम से जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपके ओके हैं और आपके रिज्यूम में वही है जो आपको आता हो, तो आप ओपन या फिर वॉक इन इंटरव्यू में 100% सेलेक्ट होंगे, ये हमारी आपसे गारंटी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।